नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो अक्सर बाहर के देशों में जाते रहते हैं या बाहर के देशों में जाके सेटल हो गए हैं, पर उनके पास OCI कार्ड हैं और वो भारत आते जाते रहते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि किस तरह अगर आप बाय USA जाते हैं तो ग्लोबल एंट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, यहाँ भी शो कर रहा हूँ। जैसे अगर आपने बाहर ज़्यादातर USA में जाते हैं तो किस तरह ग्लोबल एंट्री का इस्तेमाल करते हुए आप इमिग्रेशन से आसानी से बाहर जा सकते हैं और बहुत समय की बचत कर सकते हैं, खासकर उन कंडीशन में अगर आपकी आगे कनेक्टिंग फ्लाइट है और बीच में जो टाइम है वो बहुत कम है, 1-1.5 घंटा है, तो आप इमिग्रेशन से जल्दी फ्री हो सकते हैं और दूसरी फ्लाइट पकड़ सकते हैं। इसी तरह अब भारत ने भी एक फ्रिक्वेंट फ्लायर्स के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये प्रोग्राम जो अक्सर बाहर जाते हैं उनके लिए है और जहाँ OCI कार्ड धारक हैं जो बाहर रहते हैं उनके लिए, और उनको अक्सर इंडिया आना जाना पड़ता है। ये भारत सरकार का एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि कई बार एयरपोर्ट पे रश होता है और इमिग्रेशन में चाहे आपने बाहर जाना हो चाहे आना हो और बहुत सारा समय बर्बाद होता है, और खासकर जब आप लेट होते हैं या आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट होती है। तो अभी 24 जुलाई को भारत सरकार ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, FTI TET प्रोग्राम है, फ्रीक्वेंट ट्रेवल इनिशिएटिव जो प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। ये देश के 21 एयरपोर्ट में लागू होगा, पहले फेज में 7 एयरपोर्ट पे लागू होगा। ये ऑलरेडी दिल्ली और बॉम्बे में लागू हो चुका है। आइए जानते हैं कि ये FTI प्रोग्राम क्या है और इसका हमें क्या फायदा है। FTI प्रोग्राम जो लॉन्च किया है, बेसिकली इसका मकसद ये है कि आप सेल्फ चेकआउट कर सकें, जैसा कि आजकल प्राइवेट एयरलाइंस में कियोस्क वगैरह में होता है, तो उसी तरह से इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। तो इसमें आपका जो डाटा है पहले ही स्टोर कर लिया जाता है और वहाँ पे सिर्फ आपको पासपोर्ट स्कैन करने के बाद आपका फेस स्कैन किया जाता है और आपकी इमिग्रेशन जो है डन हो जाती है। ये अभी फिलहाल जो इंडियन सिटीजन और OCI कार्ड धारकों के लिए लागू किया गया है, और कुछ ही समय बाद इसे फॉरेन नेशनल के लिए भी, जिनकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगी, उनके लिए खोल दिया जाएगा। अभी आप जानना चाहेंगे कि इसमें हम कैसे एनरोल हो सकते हैं। एक साइट इसके लिए स्पेशली बनाई गई है, साइट का नाम है www.ftittp.mha.gov.in। तो आप इस नीचे दी साइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। आपको एक SMS आएगा, उस SMS के बाद आप उसको वेरीफाई करते हैं तो आप जो FRRO सेंटर है, डेडिकेटेड काउंटर है, वहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट में भी बना हुआ है, FRRO ऑफिस है, फॉरनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो बॉम्बे और दिल्ली वगैरह में बना हुआ है, वहाँ जाके भी बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं, और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के ऊपर भी ये फैसिलिटी आप ले सकते हैं FRRO के काउंटर पे जाके। उसके बाद वहाँ पे आपने अपनी फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक्स वगैरह देने हैं और उसके बाद आप वहाँ पे रजिस्टर हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात है इसमें कि इस फैसिलिटी में कोई भी कॉस्ट नहीं है, ये 5 साल के लिए है, जा जब तक आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी है उस डेट तक है, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री फैसिलिटी है। आइए देखते हैं इसके बाद क्या करना है हमें, हमने करना क्या होता है जब हम रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करते हैं। जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, चाहे आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आप एक TTP के कियोस्क हैं डेडिकेटेड जो से TTP धारकों के लिए हैं, तो वहां पे आप जा सकते हैं। वहां पे सबसे पहले आप पासपोर्ट स्कैन करिए और उसके बाद आपको यस होगा तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ये एक प्रिलिमिनरी स्टेप है ताकि आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाए कि आप इसमें एनरोल हो चुके हैं, हर कोई पासपोर्ट स्कैन करके आगे ना जा सके। तो ये एक मैंडेटरी अप्रूवल होगा पहले के अस्त में मशीन के ऊपर जब आप पासपोर्ट स्कैन करेंगे। उसके बाद आप दूसरी मशीन पर जाएंगे, वहां पे आपका फेस स्कैन होगा और ये लास्ट स्टेप होगा। इसके बाद आप सीधे बाहर निकल सकते हैं या अंदर इमिग्रेशन में जा सकते हैं। आपकी सारी जो डाटा है वहां पे कैप्चर कर लिया जाएगा और सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। ये अब बात करते हैं इसमें क्या फायदा होगा। सबसे पहले तो इसमें समय की बचत होगी, आपको लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, आप जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट में अपना इमिग्रेशन क्लियरेंस कर सकेंगे, खासकर उन हालात में अगर आपने आगे की कोई डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़नी हो और आपके पास समय बहुत कम हो। ये प्रोसेस पूरी तरह से कॉन्टैक्ट लेस है, किसी से भी आपको हाथ मिलाने या हाथ देने, फिंगरप्रिंट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके फेस और पासपोर्ट रिकॉग्निशन से दोनों चीजों को मैच किया जाएगा। इसके लिए एक डेडिकेटेड ई गेट्स होंगे, तो जिसमें भीड़ नहीं होगी, काफी रश कम होगा।
सबसे बढ़िया इस बात है ये अभी सर्विस बिल्कुल फ्री है। जैसा कि यूएसए में मैंने बताया कि ग्लोबल एंट्री के लिए आपको $100 देने पड़ते हैं 5 ईयर्स के, तो यहाँ पे भारत में अच्छी बात है कि ये फैसिलिटी बिल्कुल भारतीयों के लिए और ओसीआई कार्ड होल्डर्स के लिए फ्री है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस फैसिलिटी का लाभ उठाएंगे। अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर करिए कि दूसरों को भी इस फैसिलिटी के बारे में बताइए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सके और अपने समय की बचत करें। जय हिंद।